हेलो दोस्तों, मेरा नाम असलम अहमद है और मैं आपका स्वागत करता हूं कोरल ड्रॉ एसेंशियल्स के सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ के शेप टूल के बारे में। शेप टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट्स के नोड्स और कर्व्स को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। यह टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करने, एडजस्ट करने और फाइन ट्यूनिंग के लिए बहुत जरूरी है। कोरल ड्रॉ में जो डिफॉल्ट शेप्स हैं, आप उनका भी शेप टूल की मदद से उनका आकार बदल सकते हैं। शेप टूल के कुछ सब टूल्स भी है और इसे सेलेक्ट करने के लिए आप शेप टूल के आइकॉन पर क्लिक करके होल्ड करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें से किसी भी सब टूल को आप चुन सकते हैं और उनमें से पहला है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट्स के एजेस को रिफाइन और स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के एजेस जैगेड या बहुत शार्प हैं तो इस टूल से उन्हें स्मूथ किया जा सकता है। स्मीयर टूल। स्मीयर टूल का उपयोग करके आप किसी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को खींच सकते हैं और उसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यह टूल बहुत यूजफुल है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉर्म शेप्स में बदलना चाहते हैं। ट्वर्ल टूल। ट्वर्ल टूल से आप ऑब्जेक्ट्स के हिस्सों को सर्क्यूलर मोशन में घुमा सकते हैं जिससे ऑब्जेक्ट की शेप स्पाइरल या ट्विस्ट हो जाती है। यह इफेक्ट आर्टिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन के लिए बहुत उपयोगी होता है। अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल। अट्रैक्ट टूल ऑब्जेक्ट के नोड्स को खींचकर उन्हें पास लाता है जबकि रिपेल टूल नोड्स को पुश करता है जिससे ऑब्जेक्ट की शेप एक्सपैंड होती है। आप ऑब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को मॉडिफाई करके क्रिएटिव शेप्स बना सकते हैं। स्मज टूल। स्मज टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट के एजेस को खींचने और उन्हें डिस्टॉर्ट करने के लिए किया जाता है। रफन टूल। रफन टूल का उपयोग ऑब्जेक्ट्स के स्मूथ एजेस को अनइवन और रफ बनाने के लिए किया जाता है। यह टूल उन शेप्स को बनाने में मदद करता है जिनमें इरेगुलर और नेचुरल टेक्सचर हो। शेप टूल। की फीचर्स। नोड मैनिपुलेशन। आप किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट के नोड्स को मूव, डिलीट या ऐड कर सकते हैं। कर्व्स एडजस्टमेंट। किसी कर्व को रीशेप करने के लिए शेप टूल का उपयोग करें और कर्व के नोड्स को एडजस्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोरल ड्रॉ में शेप टूल को कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।